केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। झरिया के चासनाला यूनाइटेड कॉल वर्कर्स यूनियन मजदूरों की 3 सूत्री मांग को लेकर चासनाला सेल के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी और एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि 40 दिनों से सेल कोलावरी डिवीजन चासनाला के लगभग 1000 मजदूरों को काम से बैठा दिया गया है। साथ ही सेंड प्लांट के मजदूर भी कई दिनों से काम से बैठा दिया गया है, जिसके कारण उसके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक दिवसीय धरना से अगर प्रबंधक की नींद नहीं खुली तो जोरदार प्रदर्शन करने के लिए मजदूर बाध्य होंगे। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। धरना कर रहे हैं और हम लोग का मुख्य मांग जो है वो डीप माइन, अपर सीम और सल्फ्रांड के मजदूर को, जो आज कम से कम 60-70 दिन से काम से बैठा दिया गया है, आज हम लोग चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि आज उनका जो परिवार चलाने में आज उसका रोजी रोजगार जो है पूरा छीन चुका है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि उनको रोजी रोजगार मिले और उनका घर का भरण पोषण अच्छा तरह से हो सके। अगर लोग एक दिवस से धरना दे रहे हैं, अगर इसमें भी हम लोग का बात नहीं बना तो हम लोग आगे जाके 15 दिन का अनिश्चितकालीन धरना जाएंगे। उस पर भी अगर बात नहीं माना तो हम लोग अमरण अनशन करेंगे, और उसमें भी अगर बात नहीं माना तो हम लोग पूरा चासनाला का चक्का जाम करेंगे। कौन सी जगह पर आप लोग धरना प्रदर्शन? आज हम लोग चासनाला जीएम ऑफिस के प्रबंधक के कार्यालय के समक्ष यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। क्या वार्ता होता, कुछ हुआ क्या? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुआ है, अभी तक टाल मॉडल की स्थिति चल रही है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जितना जल्दी होगा हम लोग टेंडर करेंगे, प्लायस हम लोग लेके हम लोग काम तो चालू करेंगे बालू की जगह। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी होगा, जैसे हो, हम लोग ये नहीं चाहते, जैसे हो आप काम चालू किया जाए, हम लोग पूरा मजदूर आपके साथ हैं, और अगर नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। संजू माथुर, यूनाइटेड कॉल वर्कर्स, शाखा सचिव।